क्वेश्चन एक और देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली द राइट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब है यहाँ पे ड्यूटीज, ठीक है? ये मत सोचना कि हमने लाइबिलिटीज नहीं किया है, लाइबिलिटीज का मतलब है ड्यूटीज। अच्छा, कल जो प्रोविजंस वाला किसने व्हाट्सअप किया था मेरे को, प्रोविजन का मतलब पूछने के लिए एक मैंने नाम मैंने कहा। हितैषी हाँ देखो, कभी भी जैसे लॉ में प्रोविजंस पूछता है और आपको नहीं मिलता है बुक में, इसका मतलब है कि वो आपसे फीचर्स वगैरह पूछ रहा है। ये सबके लिए है, ध्यान रखना आप लोग, कि प्रोविजंस वगैरह पूछ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या लिखना है, इट मीन्स वो आपसे उसके एसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स पूछ रहा है। क्लियर है आपको? याद रखना, बिजनेस लॉ में ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट देखो, अपन राइट्स ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और दो दो पॉइंट्स बनाओ, क्या होंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। और याद रखना, जिसने जिसने दो पॉइंट्स बताए वो मैच नहीं करनी चाहिए अब दूसरों के पॉइंट्स से। जल्दी से बताओ, राइट्स क्या हो सकते हैं पार्टनर्स के? बताओ। अनुराग बोलो बेटा। यस मैम, राइट्स क्या हो सकते हैं पार्टनर्स के? आप लोग ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करना उस पॉइंट पे देखो, अपने आप को सिचुएशन पे रखना कि सपोज अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपके क्या राइट्स होंगे, बताओ। आपको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए फर्म यस का? मैम, प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं दूसरा, या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डिसीजन मेकिंग में आपका हाथ रहेगा, आपसे कंसल्टेंसी करेंगे दूसरे आपके पार्टनर्स या जो भी है कि नहीं? आप बिजनेस में एक्टिव पार्ट लेंगे और क्या करेंगे, आप मैम रिटायर्ड रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो दूसरे पार्टनर्स को एडमिशन भी दे सकते हैं, कर सकते हैं मैम, कि ओनरशिप में भी ज्वाइनिंग। ओनरशिप तो ऑब्वियस है, पार्टनरशिप इट मींस ओनरशिप। और सोचो और क्या हो सकता है, आपके पास अथॉरिटीज होंगी, आप अपने बिजनेस मैम को जो भी एक्सपांड कर सकते अकाउंट हो। बुक्स होते हैं वो सब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख हाँ, सकते हैं। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कुछ एक्स्ट्रा? एजेंट ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? एडवांस ले सकते हैं वो फॉर्म से, एडवांस मतलब लोन्स ले सकते हैं, ठीक है? एक चीज याद रखना, जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस या पार्टनरशिप बोल लो कहीं पे भी, तो हमको उसका इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि अगर हम बिजनेस को कैपिटल दे रहे हैं, यानी हम बिजनेस के पास नहीं था, हम लेके आए थे उसको पर्सनली अरेंज करके, कैपिटल दिया था हमने बिजनेस को, तो उसका जो ब्याज इंटरेस्ट वो मिलता है पार्टनर्स को, याद रखना। और अगर पार्टनर्स कुछ उसमें से विथड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, कुछ गुड्स वगैरह कुछ भी, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट देना भी पड़ता है। तो जब कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो देते हैं, प्लस क्या होता है उसमें अथॉरिटी होती है इमरजेंसी के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं आप मेरे को, एक आध पॉइंट? मैम राइट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं एक दूसरे की। हाँ, ये किसी ने बोला था स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टी वाला किसी ने बोला था मेरे ख्याल से। एक वर्ड मैं आपको एक एक्स्ट्रा बताती हूँ, उसके बाद हम राइट्स को पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स समझ लो। देखो,
क्या लिखा है, रीड करो इसको, क्या रीड करोगे आप लोग? इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, इसका मतलब होता है देखो, टू मेक गुड द लॉस, समझ में आ रहा है इसका मतलब, लॉस को सही करना, इट मींस टू कंपनसेट समवन इफ ही और शी occurs the loss. आया समझ में indemnity का मतलब? अगर A और B के बीच में suppose किसी agreement में आए, A और B contract में आए, A ने कुछ भी काम दिया है किसको, B को, अगर बी वो काम नहीं कर पाएगा तो उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसका, आप उससे कोरिलेट करना. इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस बताओ. बोलो, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस की मीनिंग भी बताएं आप लोगों को. वेरी बैड मैम, कुछ भी लॉस होता है तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ अमाउंट देती है जो आप. हाँ, लॉस वर्ड यूज मत करो. इंश्योरेंस स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा ये बताओ. मैम पहले हम लोग कंपनी को कुछ अमाउंट देते हैं. देते हैं, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं अपन? प्रीमियम. नहीं पता. प्रीमियम. ओके. है ना, याद रखना, प्रीमियम देते हैं हम उनको, मंथली देते हैं या ईयरली देते हैं. फिर अगर हमको कुछ लॉस होता है तो हमको क्या करते हैं वो लोग, कॉम्पनसेट करते हैं. जब वो हमको इंश्योरेंस क्लेम देते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉम्पनसेट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम. ठीक, तो अगर हमको कुछ लॉस हो रहा है और हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, सपोज जैसे LICs हैं, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, तो जब हम कोई पॉलिसीज वगैरह परचेज करते हैं तो हम बॉन्ड्स साइन करते हैं. ठीक, तो जब हम बॉन्ड साइन करते हैं, LIC या मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो हम एक पेपर में साइन करते हैं ना, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, कम से कम 500-600 टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं छोटी छोटी. देखा है घर में LIC के बॉन्ड्स वगैरह या मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसीज वगैरह किसी ने? आरती, आस्था, आयुषी बेटा बताओ. यस मैम, देखे देखे. और किसी ने? देखो, तो वो एक तरीके का क्या है, हम उन्होंने हमको बॉन्ड दिया, हम बॉन्ड साइन करते हैं और हम क्या करते हैं, मंथली या उनको ईयरली कुछ अमाउंट देते हैं, तो उस अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम. और सपोज अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमको मेडिकल नीड पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, हमको पे बैक करते हैं. तो पेइंग समबडी सेफ या फिर मेकिंग समबडी सेफ, तो इसको बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, कि सामने वाला हमको कॉम्पनसेट करता है. दूसरी चीज, ये तो एक इंश्योरेंस एक एग्जाम्पल हो गया, सेम एक और चीज होगी इसमें. देखो, सपोज आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 5,000 बैग्स ऑफ राइस का, आपने ट्रेडर से किया, आपने उसको पूरा का पूरा एडवांस दे दिया अमाउंट, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसने आपको पे ही नहीं किया, डिलीवरी के टाइम पे आपके बैग्स ऑफ राइस उसने नहीं दिए, क्या करोगे आप, केस करेंगे? जब आप कोर्ट केस करेंगे तब क्या होगा, कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देगी, तब क्या होगा, आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा. कैसे कॉम्पनसेट,
एक तो आपको या तो पूरा का पूरा एडवांस रिटर्न मिलेगा या फिर आपको 5000 बैग्स ऑफ डिलीवरी दिया जाएगा प्लस प्लस क्या किया जाएगा जो आपके एक्सपेंसेस हुए कोर्ट के वो भी तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा या फिर कभी कभी क्या होता है या तो एडवांस रिटर्न होगा फर्स्ट दूसरे में बैग्स ऑफ डिलीवरी होगा या फिर और कोर्ट के खर्चे भी होंगे या फिर तीसरा ऑप्शन होता है बोथ तो ऐसे इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया जाता है। अब बताओ यहाँ तक डाउट है किसी को नो मैम और किसी आस्था नम्र नो मैम कहीं डाउट है क्या तो देखो ये होता है मैम पार्टनर की भी इंडेमनिटी कैसी होगी मतलब ये थोड़ा वो मैं कोरिलेट करूंगी उसका आप टेंशन मत लो वो मैं कोरिलेट करूंगी अभी आप सिर्फ टर्म्स को समझो टर्मिनोलॉजी समझ में आई आप लोगों को बताओ टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है अब देखो नो मैम अब देखो राइट्स आते हैं अपन अब मैं उसको कोरिलेट करूंगी ये मैं हटा रही हूँ ठीक है अब फर्स्ट राइट्स ऑफ पार्टनर देखो राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इस राइट में कोई डाउट है देखो जो भी पार्टनर है उसका सबसे फर्स्ट राइट कि वो क्या लेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा पार्टनरशिप में प्लस मैनेजमेंट के डिसीजन में भी वो पार्टिसिपेट करेगा सेकंड देखो राइट टू बी कंसल्टेड ऑब्वियस है कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो सबसे पहले पार्टनर को कंसल्ट किया जाएगा ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी चल रही है नहीं राइट टू बी कंसल्टेड कुछ भी डिसीजन लेने से पहले पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा उनके ओपिनियंस लेने पड़ेंगे अगर ओपिनियंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उन डिफरेंसेस को सॉर्ट करके वोटिंग पावर से या कैसे भी करके जैसे उनको लगता है वैसे डिसीजंस मिलके लेंगे नेक्स्ट देखो राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स बुक्स यहाँ पर मतलब है अकाउंट से है ना इंस्पेक्ट करना जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कंपनी में जितने भी क्या बोलते हैं जो रिकॉर्ड्स रहते हैं पेपर वर्क रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स व्हाटएवर जितना भी पेपर वर्क रहता है चाहे फिर आप उसको सिस्टम में अपडेट करें तो सबका सबको एक्सेस मिलेगा नेक्स्ट देखो राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो प्रॉफिट्स इक्वल शेयर होंगे ये मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था हाँ लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड साइन की है तो आपका जो शेयर होगा आपने उस समय जो डिसाइड किया होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा लेकिन अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और आप ऐसे कोई 1 लाख लेके आ रहे हैं कोई 10 लाख लेके आ रहे हैं तो भी ऐसे सिचुएशन में आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आएगा मैंने आपको बताया अभी जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में आपने बिजनेस को कैपिटल दिया तो इट मींस आप उसका इंटरेस्ट लेंगे ये आपका राइट है नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में क्या होगा आपने जो फर्म
को पैसे दिए, ठीक है, अगर आपने फर्म को पैसे दिए बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, जब हम पैसे लगाते हैं वो कैपिटल, लेकिन बीच में अगर हमको फर्म को पैसे चाहिए बिजनेस में पैसे लगाने हैं, तो आप एक तरीके का लोन देंगे, तो उसको बोलते हैं एडवांस, तो आपको उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा. नेक्स्ट देखो, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, ये वर्ड देखो, इंडेमनिटी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू मेक कॉम्पनसेट. इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर, जो इंडेमनीफायर और इंडेमनिटीफाइड, इंडेमनिटीफाइड का मतलब होता है या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं, जिसको लॉस हुआ है और उसको कंपनसेट किया जाता है वो होता है इंडेमनीफाइड. और इंडेमनीफायर वो होगा जो पे कर रहा है. समझ में आ रहा है? सपोज जैसे आप ही लोग के एग्जाम्पल ले लो, अगर आयुषी को कुछ अमाउंट का लॉस हुआ है और आयुषी को वो अमाउंट मिल रहा है, तो वो होगी इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, और जो भी उसको पे कर रहा है वो होगा इंडेमनीफायर. राइट टू बी इंडेमनीफाइड, या फिर इसके लिए एक वर्ड है और रीइंबर्स्ड, और रीइंबर्स्ड. अब इसमें देखो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, देखो एक मिनट. सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई और आपने उस एंड मोमेंट पे अपने बिजनेस को बचाने के लिए या अपने फर्म को बचाने के लिए अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया या कोई एसेट्स को लगाया आपका पर्सनल, तो बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो पे बैक करें, क्योंकि अब आपने पर्सनल दिया. या फिर अगर आप कोई लाइबिलिटी इनकर्ड करते हैं बिजनेस को बचाने के लिए या उसको लॉस से कंपनसेट करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा तो आपका पर्सनल लॉस है एक तरीके से. पहले आपने बिजनेस को सेव किया लेकिन आपका पर्सनल लॉस है, तो इट मींस आपको अब इंडेमनीफाई किया जाएगा, इट मींस रीइंबर्स किया जाएगा. जैसे कंपनीज में जब अपन जॉब करते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स हो जाते हैं, क्यों, हम कंपनी के बिहाफ पे ट्रैवल करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो अमाउंट हम एक्सपेंस करते हैं वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, इट मींस वो रीइंबर्स हो जाता है, इट मींस उसको क्या किया है, इंडेमनीफाइड किया गया है उस पर्सन को. एट देखो, राइट टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म में अगर हमने वहां से जॉइंट ओनर्स होते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट देखो, अथॉरिटी इन अ इमरजेंसी. ऑब्वियसली अगर कुछ इमरजेंसी आ रही है उस बिजनेस को चलाने में और आपके पास अथॉरिटी है, तो आप उसको अथॉरिटी को यूज करते हैं. नेक्स्ट एक होता है राइट टू स्टॉप the admission of a new partner. Right to stop the admission of a new partner. अगर आप किसी partner को admit कर भी रहे हैं तो भी एक partner के पास right होता है कि वो stop करवा सके admission. Next देखो, राइट टू डिसओन. डिसओन क्या होता है? ओनरशिप हटाना, हाँ, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना या छोड़ देना. राइट टू डिसओन लाइबिलिटीज ऑफ अर्लियर पीरियड टू हिज जॉइनिंग. सपोज कोई फर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है और उसके आने से पहले इनकी जो लाइबिलिटीज हैं, तो इसके पास राइट
है कि वो उन लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर मान लो किसी को पे बैक करना है तो ये बोलेगा मेरे आने के पहले के थे आपके खर्चे, वो आप सॉर्ट आउट करो, मैं आज की डेट के बाद की जो भी लाइबिलिटीज होंगी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, बट मैं फॉर द बिफोर मतलब मेरे ज्वाइनिंग के पीरियड के पहले के लिए मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा. एक से नेक्स्ट देखो, राइट टू रिटायर है. नेक्स्ट देखो, इसमें इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है आई थिंक, रिटायरमेंट को. देखो, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. हर पार्टनर को राइट होता है कि वो फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करे जब तक उसकी मर्जी है. कोई भी पार्टनर्स मेजॉरिटी में डिसीजन लेके किसी भी पार्टनर को निकाल नहीं सकते हैं. आ रहा है समझ में? हाँ. लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड साइन करते समय उसमें लिखा है कि अगर पार्टनर्स मेजॉरिटी डिसीजन लेते हैं और किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं तब तक. अगर उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज राइट नॉट टू एक्सपेल. ये वैसे पॉइंट कोई लगा मतलब लिखता नहीं है. देखो नेक्स्ट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर जाने वाला है उसका राइट पे देखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस. अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस टाइप का कोई बिजनेस नहीं करेगा, वो बिल्कुल कर सकता है. पहले कंडीशंस रखी जाती थी, बहुत पहले की बात है जब इंडिपेंडेंस मिला था, या आज से 20 या 30 साल पहले जब फैमिली बिजनेस होता था तो वो लोग डीड्स या बॉन्ड साइन करवा लेते थे कि अगर आप हमारा फर्म छोड़ रहे हो तो आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप हमारा मार्केट कैप्चर कर लोगे. आ रहा है समझ में? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस. हाँ, लेकिन वो उसका नाम और अपने आप को उस बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं शो करेगा. दूसरी चीज, वो कस्टमर्स को मैनिपुलेट नहीं करेगा. ये इस मतलब बेसिक और एथिक्स की बात है. इसका एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को. ये जो 14th पॉइंट है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर का टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस. देखो, अब एक केस स्टडी मैंने कहीं पढ़ी थी, अब इसमें कितना फैक्ट है या ट्रू है ये नहीं बोल सकते, बट ये फैक्ट माना जाता है. रिलायंस इंडस्ट्री, नाम सुना है? यस मैम. देखो, दो पार्टनर, सॉरी, ओनर कौन है रिलायंस इंडस्ट्री के? एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी. जब उनका बिजनेस अलग था, बिजनेस अलग हुआ था स्टार्टिंग में, तुम बहुत छोटे रहे होगे, बहुत उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग में रिलायंस टू रिलायंस कॉल फ्री में मिलती थी. पूरा बोलते हैं कि आइडिया किसका था? मुकेश अंबानी का. मैंने केस स्टडी पढ़ी थी किसी बुक में, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक. लेकिन जब उनका बिजनेस अलग हुआ, तो जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का जैसे बिजनेस अलग हो रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उनके बीच में कि जो जो बिजनेस अनिल अंबानी के पास गया उस बिजनेस में मुकेश अंबानी अभी इन्वॉल्व नहीं होगा. कितने इयर्स तक? 15 इयर्स तक, ये बोला जाता है, ठीक है. प्लस जैसे ही 15 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे, जिस दिन 15 इयर्स कंप्लीट हो गए उसके आफ्टर 2 या 3 मंथ्स में जियो लॉन्च हो गया. और जियो अभी सक्सेस पे चल रहा है कि रिलायंस का जो एक स्मार्ट का चलता था, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, वो सब बंद हो गया. तो इसका क्या मतलब था? जब पहले रिलायंस फर्म चलती थी, सिम्स चलते थे, मोबाइल फोन चलते थे, रिलायंस टू रिलायंस थ्री, जब उनका बिजनेस जॉइंट था. लेकिन जब उनका बिजनेस अलग हुआ तो उनमें से किसी को परमिशन नहीं थी कि जो मुकेश अंबानी वाला बिजनेस था वो ये अनिल अंबानी नहीं करेगा, और अनिल अंबानी जो बिजनेस कर रहा है वो ये नहीं करेगा. तो ऐसे जब फैमिली बिजनेस अलग होते हैं तब क्या होता है, उनके सामने कंडीशंस रखी जाती हैं. क्योंकि नाम देखो दोनों सेम यूज कर रहे हैं रिलायंस का, कस्टमर्स मैनिपुलेट होंगे, तो इसलिए उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 15 इयर्स तक आप ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे एंड आप ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे. लेकिन उस बिजनेस में आने की तैयारी 4 से 5 साल पहले से ही मुकेश अंबानी ने कर ली थी,
और इसके लिए वो जियो का जो प्लान चल रहा था उनका मास्टर प्लान, और जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ये डायरेक्ट मार्केट में आ गया, और रिलायंस में जो अनिल अंबानी का बिजनेस था वो पूरा का पूरा चले गया, और अब तो ऐसा है कि वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है। तो देखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो हम उसके साथ ऐसा कोई बॉन्ड या डीड नहीं होगा कि वो पर्सन सेम बिजनेस को नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। पहले ऐसे कंडीशंस होती थी और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो फिर आप जाने और आपका काम जाने। आ रहा है समझ में? किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चंस पूछूंगी मैं लास्ट में, याद रखना। नेक्स्ट देखो, राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप, नहीं अब नहीं हो, बोलो बोलो मैम। इसे थोड़ा डाउट पड़ रहा है मैम कि ये जब ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हाँ बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मैम ये लोग कैसे डिसाइड करते कि वो काम ये पहले होता था या अब हो रहा है ऐसा? तो मैम इसे कंफ्यूजन हो गया मेरे को मैम बहुत। क्या पहले होता है या अब होता है? तो मैं फिर से समझाएंगी मैम, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मैम इसमें एकदम। तो अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करो ना, कहाँ कंफ्यूजन है या तुम क्या समझ रही हो, तुमने उससे क्या समझा वो तुम मुझे बताओ, तो मैं उसको करेक्ट करूंगी कि तुमने ये गलत समझा और यही सही समझा है। मतलब मैम जैसे कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको जो वो बिजनेस करते हैं, वो जितने पार्टनर्स मिलके पहले जो बिजनेस करते थे, अब वो बिजनेस जो पार्टनर निकल रहा है वो नहीं करेगा, ऐसा है कुछ? वो कर सकता है, उसको रोकेंगे नहीं। ये देखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, मतलब सपोज ये लोग रेडीमेड किसी बिजनेस में है, समझो किड्स वेयर में है ये लोग, बच्चों के रेडीमेड बिजनेस में, ठीक। तो अगर कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये वाला बिजनेस नहीं कर सकता है, वो खुद का भी स्टार्ट कर सकता है सेम बिजनेस, या फिर वो दूसरी फर्म ज्वाइन कर सकता है इसी बिजनेस के रिगार्डिंग। तो उसके पास राइट है कि वो कैरी ऑन कर सकता है सेम बिजनेस को, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं उस सेम बिजनेस को कंटिन्यू करने से। यस मैम, अब समझ आया मैम। आया? गुड। राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसॉल्यूशन, हाँ, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आपके पास राइट है कि आप अपना बिजनेस वाउंड अप करवाएंगे। वाउंड अप का मतलब होता है एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करना, कोर्ट अपॉइंट करके देती है ऑफिशियल रिसीवर यानी लिक्विडेटर, जो फर्म के बिहाफ पे और कोर्ट के बिहाफ पे आपकी एसेट्स को बेचेगा और उसके जो पैसे आएंगे वो आप उससे आपकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, वो होता है राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप। आ रहे समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो, राइट टू रिस्ट्रेन, राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम, ये फ्रॉम होना चाहिए, गलत है बुक में, राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब कोई बता सकता है? वेरी सिंपल, देखो अगर आपका फॉर्म डिसॉल्यूशन पे है, अगर आपके फॉर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, देखो मैं ब्रैकेट में आपकी समझने के लिए डिसॉल्यूशन लिख देती हूँ, जब तक आपका बिजनेस कम्प्लीटली वाउंड अप नहीं हो जाता, ये वाउंड अप नहीं हो जाता है कम्प्लीटली, तब तक आप फॉर्म का नाम नहीं यूज करेंगे। सपोज आपने फॉर्म का नाम रखा था ए एंड बी, मैसर्स ए एंड बी सन्स करके कुछ आपने फॉर्म का नाम रखा, अब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है लेकिन वाउंड अप नहीं हुई है। वाउंड अप मींस एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे करना। अगर ये अभी तक नहीं हुआ है और आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, सब नए नए बिजनेस में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वो पुराना नाम यूज करें, तो आप तब तक उस पुराने नाम को यूज नहीं कर सकते हैं
जब तक आपके फर्म का कंप्लीट वाउंड अप नहीं हो चुका है. तो राइट टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, किससे रोकना, फर्म के नाम को या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करने से. आ रहा है समझ में? सेकेंड देखो, लास्ट, राइट टू बी इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड क्या होता है, अभी बताया था मैंने, फॉर फ्रॉड. अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको उसके लिए भी इंडेमनीफाई किया जाएगा या पे बैक किया जाएगा. ऐसा पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहा है, कौन से बेसिस पे, फ्रॉड के बेसिस पे, उसको लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो, या फिर कुछ मिसरिप्रेजेंट हो रहा है. फ्रॉड के साथ एक वर्ड यूज होता है मिसरिप्रेजेंटेशन, याद रखना. तो ऐसे पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो एसेट्स, सरप्लस एसेट्स रखे अपने पास, प्लस उसके पास ये भी राइट होगा कि कौन से क्रेडिटर को कब पैसे देने हैं और कब पैसे नहीं देने हैं, कौन से पार्टनर्स गिल्टी हैं फ्रॉड्स के लिए और किसको कब कितना पैसा देना है. तो ये सारे राइट्स मिलते हैं पार्टनर को अगर उसके साथ कहीं पे कोई फ्रॉड होता है तो. तो उसको इंडेमनीफाई कैसे किया जाता है, उसको ये राइट दे के कि वो क्रेडिटर्स को अब अपने हिसाब से पे करेगा. सरप्लस एसेट्स हो रहा है, सरप्लस एसेट्स मतलब होता है एसेट्स को बेच के जब अपन लायबिलिटीज को पे करते हैं. लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर भी पैसे बच जाते हैं, तो वो हो जाएगा सरप्लस. और एक है आपका लास्ट, राइट टू डिसॉल्व द फर्म. आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है यहां तक? अब देखो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. देखो या लाइबिलिटीज भी बोल सकते हो इसको. इसको मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो एक होंगी एब्सोल्यूट यानी मैंडेटरी, एब्सोल्यूट यानी मैंडेटरी ड्यूटीज. इसमें पहला होगा एब्सोल्यूट और मैंडेटरी में जनरल ड्यूटीज. क्या होती है जनरल ड्यूटीज पार्टनर की नॉर्मली? फर्म का बिजनेस कैरी करेंगे फॉर द प्रॉफिट के लिए, एक दूसरे के ऊपर उनको ट्रस्ट रहेगा, जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर. एक दूसरे को जितना भी अकाउंट वो लोग शो करते हैं या पेपर वर्क वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए. एक दूसरे से लॉयल रहेंगे, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे. सिंपल ये होती है जनरल ड्यूटीज जो बेसिक्स हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, तो सामने वाला भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई इसलिए एक्सप्लेन किया था कि बार बार यूज होगा ये वर्ड. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस, जो ऊपर पड़ा राइट्स में वही है, उसको घुमा के लिख दिया. कॉज्ड बाय फ्रॉड, अगर किसी पार्टनर के साथ फ्रॉड होता है तो ये ड्यूटी होती है कि हम उसको लॉस को इंडेमनीफाई करें. ये हो गई जनरल ड्यूटीज, सॉरी एब्सोल्यूट और मैंडेटरी ड्यूटीज. अब सेकेंड है ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स, ऐसी ड्यूटीज जो उन्होंने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड किए. ऊपर वाली में अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी तो वो कॉमन रहेंगी, लेकिन अभी कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो पार्टनर्स एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं पार्टनरशिप डीड का, ये उसकी ड्यूटीज हैं. जैसे कि इसमें फर्स्ट देख सकते हो ए, टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज आपको दी हुई हैं उसको डिलीजेंटली ध्यान से कंप्लीट करनी है, फुलफिल करनी है. कहीं पे भी लूप होल नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी वाला. इसलिए हर पार्टनर को जो ड्यूटी दी हुई है ठीक है वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान देगा. हाँ, इनको अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है. रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन वगैरह, सैलरी वगैरह. एम्प्लॉय थोड़ी नहीं है, आप तो फर्म के पार्टनर है तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा. फिर टू शेयर लॉस, ये आपकी ड्यूटी है. To hold and use property of firm,
टू होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म. अच्छे से यूज करना है फर्म की प्रॉपर्टी का. नेक्स्ट लिखा है इसमें टू एक्ट विद एन अथॉरिटी, अथॉरिटी में रह के ही काम करना है अपने आप. टू एक्ट विद इन अथॉरिटी.